गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल कंटिन्यू लेसन 3 पेज नंबर 19। ओके, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि माँ जो है सुनील और अनिल ट्विन से, उनकी मदर उनके लिए एक किटन लेकर आई है और उन्होंने क्या कहा है बच्चों को कि उनको सेम किटन को आपस में शेयर कर रखना है। बच्चे फेडअप हो गए थे शेयरिंग से, उन्होंने अपना ओन किटन मांगा अलग अलग, लेकिन मदर ने मना कर दिया। आगे इसको हम आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। आई एम सॉरी बट यू मस्ट शेयर वन किटन। मदर ने क्या कहा, नहीं मैं तुमको अलग अलग किटन नहीं दिलाऊंगी, तुम्हें एक ही किटन को आपस में शेयर करना है। ओके, यू विल हैव टू फीड द किटन एंड मेक श्योर शी डज नॉट गेट एनी इनटू ट्रबल। मदर ने कहा कि आपको एक ही किटन का देखभाल करनी है, उसे खाना खिलाना है और मेक श्योर ध्यान रखना है कि तुम किसी भी तरह से ये जो किटन है वो किसी भी मुसीबत में ना पड़े। नाउ सुनील एंड अनिल वर इवन शेयरिंग अ जॉब। अब क्या हुआ, अनिल और सुनील जो ट्विन हैं उनको सेम जॉब जो है वो शेयर करना पड़ा, जबकि उनको शेयरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अ फ्यू डेज लेटर द किटन गॉट इनटू मदर्स नीटिंग बास्केट। अब कुछ दिनों बाद की बात है, एक दिन जो किटन है बिल्ली का बच्चा है वो मदर की जो नीटिंग बास्केट है, नीटिंग का मतलब होता है स्वेटर बुनना, तो नीटिंग बास्केट जो है जिसमें बहुत से ऊन के बॉल्स पड़े होते हैं, वो जो किटन है वो उस बास्केट में घुस गई। ओके, इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स द किटन हैड स्कैटर्ड बॉल ऑफ यार्न ऑल ओवर द रूम। अब उस किटन ने क्या किया, फ्यू मिनट्स, कुछ ही सेकेंड लगे, कुछ ही मिनट लगे और उस किटन ने उनकी जो सारी वूलन बॉल्स जो है उसको कमरे में इधर से उधर बिखेर दिया, उसको वहाँ पर पूरे रूम में स्प्रेड कर दिया, फैला दिया। यार्न का मतलब होता है ऊन, स्कैटर्ड मीन्स बिखेरना। ओके, अनिल सा द किटन प्लेइंग विद द यार्न। अब जैसे अनिल क्लास रूम में एंटर हुआ, उसने क्या देखा कि वो किटन जो है वो यार्न से ऊन से खेल रही है। ही क्विकली वेंट टू फाइंड सुनील टू टेल हिम व्हाट द किटन हैड डन। अब अनिल ने जैसे ही देखा तुरंत वो सुनील को बुलाने गया और उसको कहने गया कि देखो किटन ने क्या किया है। ओह नो, इट इज़ अवर जॉब टू क्लीन अप द मैस, क्राइड अनिल। अब सुनील ने चिल्ला कर क्या कहा कि ओह नो, अब ये हमारा काम है पूरी गंदगी को साफ करना। कौन सी गंदगी, जो कि किटन ने रूम में फैला दी थी। दे बोथ क्विकली पिक्ड अप द यार्न एंड पुट इट बैक टू द बास्केट इन द बास्केट। अब दोनों बॉयज ने क्विकली सारे यार्न जो हैं उनको उठाया और बास्केट में वापस रिप्लेस कर दिया और फिर से वहीं रख दिया। When the mess was cleaned up, Sunil and Anil saw that the kitten was playing with an orange. जब उन्होंने सारे बॉल्स जो हैं फिर से बास्केट में सेट कर दिए, तब उन्होंने देखा कि जो उनकी किटन है वो एक ऑरेंज जो है संतरा है उसके साथ खेल रही है। They quickly made the kitten her own toy from a piece of yarn. अब वो समझ चुके थे कि उनके जो किटन है उसको कोई बॉल जैसी टॉय जो है बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने क्या किया, यार्न लिया, ऊन लिया और ऊन से उसके लिए एक अच्छा सा बॉल बना दिया ताकि वो अच्छी सी किटन उसके साथ खेल सके। ठीक है, इस तरह से उन दोनों ने, सुनील और अनिल ने क्या किया, एक टॉय अपने किटन के लिए बना दिया। जस्ट थिंक अनिल, टू किटन्स वुड हैव मेड अ बिगर मैस, सेड सुनील। अब सुनील ने अनिल से क्या कहा कि अनिल सोचो अगर दो किटन होती तो कितनी ज़्यादा गंदगी फैला देती। दैट इज़ राइट, लाफिंग अनिल। अनिल ने हंसते हुए कहा हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, मे बी शेयरिंग इज़ नॉट अ बैड आफ्टर ऑल। ये बात बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये है कि शेयरिंग जो होती है वो हमेशा से ही बुरी नहीं होती है, शेयरिंग एक अच्छी हैबिट है। ओवर। अब ये लेसन अपना जो पूरा है कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों को क्या करना है कि ये लेसन को आपको 2 or 3 टाइम रीड आउट करना है और आपको जो हार्ड वर्ड लगेंगे उसको पेंसिल से अंडरलाइन करना है और उसके साथ ही अपने बुक में ये एक्टिविटी आपको फिलअप करनी है। ओके, एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, टिक राइट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बास्केट। अब बास्केट में से आपको जो करेक्ट वर्ड है उसको टेक आउट करना है। सुनील एंड अनिल वर्ड, सुनील और अनिल कौन थे, ट्विंस या कजिन्स, राइट ट्विंस। सेकंड, सुनील एंड अनिल वेंट आउट टू प्ले विथ देयर रेड। सुनील और अनिल जो बाहर हैं वो रेड किसके साथ खेलने लगे थे, बॉल या वैगन, यस वैगन इज द राइट आंसर, सो टिक राइट ऑन वैगन। थर्ड वन इज, मदर ब्रॉट होम अ फॉर द बॉयज,
मदर बच्चों के लिए क्या लेकर आई थी? पपी और किटन? किटन, सो पुट राइट ऑन किटन. फोर्थ, द किटन हैड स्कैटर्ड बॉल ऑफ यार्न और थ्रेड. अब किटन जो है उसने किसकी बॉल्स को फैला दिया था? यार्न ऊन या थ्रेड धागा? दैट इज यार्न, सो पुट राइट ऑन यार्न. फिफ्थ वन, अनिल सा दैट द किटन वॉज प्लेइंग विथ एन एप्पल और ऑरेंज. अनिल ने क्या देखा? किटन किसके साथ खेल रही है, एप्पल के साथ या ऑरेंज के साथ? यस दैट इज राइट, ऑरेंज. सो पुट राइट हियर. सो डू दिस एक्टिविटी इन योर बुक एंड लर्न इट वेल.